గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేపట్టిన హరితహారంలో భాగంగా నిజామాబాద్ ఎంపీ కవితక్క గారు మరియు ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారు మరియు మేయర్ ఆకుల సుజాత గారి ఆదేశాల మేరకు నిజామాబాద్లో ప్రతి ఒక్క డివిజన్లో హరితహారం కార్యక్రమాలు జరపడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మా డివిజన్ 34 డివిజన్లో మేము ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈరోజు నుంచి గల్లీ గల్లీలో తిరుగుతూ ప్రతి ఇంటికి మొక్కలు పంచుతూ వాటిని సంరక్షించుకోవాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. మొక్కలు నాటడం వల్ల వర్షాలు బాగా కురుస్తాయి, మరియు అవి వాటి నీడ మనకు గాలి నీడ మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు మా డివిజన్లోని ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోవాలని, భవిష్యత్తులో పిల్లలకు కానీ ఎలాంటి అనారోగ్యాలు పాలవకుండా ప్రతి ఒక్కరు చెట్టు నాటుకొని వాటిని కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. 34 డివిజన్ కార్పొరేటర్ పుప్పాల లావణ్య మొగల్పురాలో ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇలాగే ప్రతి ఒక్క గల్లీలో తిరుగుతూ ఇంటింటికి మొక్కలు పంచుతామని మొగల్పురా డెవలప్మెంట్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ సదర్ కేసే మొగల్పురే హరితహారం ప్రోగ్రామ్ కరే కార్పొరేటర్ సాత్ లావణ్య మేడం సాత్ కరే శుక్రియా. सरकारी प्रोग्राम अमल में लाया गया है. मैं डिवीज़न नंबर 30 की ओर से गुजारिश करता हूँ कि हम कितनी मेहनत से यहाँ पर खाना लगा रहे हैं हरे भरे, तो मैं और से गुजारिश करता हूँ कि इसकी देखभाल दिल से करें और इसका पानी वगैरह देके रोज़ाना, और इंशाल्लाह हम बल्दिया की जानिब से भी पानी डलवाएंगे. और आवाम से गुजारिश करता हूँ, मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ सुजनकारी का प्रोग्राम आज वीडियो नंबर 30 अमल में आया.
रोशनी टीवी के नाज़रीन, खैर मकदम है। अभी जो हरित हरम का प्रोग्राम निज़ामाबाद में चल रहा है, यहाँ पर हम 39 डिवीज़न में मौजूद है। देखेंगे कमिश्नर साहब, एई साहब, डी साहब और यहाँ के आवाम सब मौजूद है। यहाँ पर सीसी रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और हरित हरम के प्रोग्राम चल रहा है। इंशाल्लाह ये देखेंगे क्या है, किस तरह से यहाँ कमिश्नर साहब मौजूद है। इंशाल्लाह देखेंगे, मालूम लेंगे क्या क्या प्रोग्राम से, क्या क्या डेवलपमेंट्स है। आज के दिन में ये हमारे निज़ामाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेगा ट्री प्लांटेशन के प्रोग्राम चल रहा है। ये मेगा ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हर वार्ड में, हर कॉरपोरेटर के हिसाब से हर जगह अच्छा चल रहा है। आज भी हम लोग अभी 39 डिवीज़न अरसापल्ली में अजीम कॉरपोरेटर के इसमें अभी आए हैं हम लोग। ये मेगा ट्री प्लांटेशन आज पूरा भी 35,000 ट्री प्लांट्स आज एक दिन हम निज़ामाबाद में प्लांट कर रहे हैं। ये छोटे छोटे सैपलिंग जो भी है फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो भी अपने को करना था, अपने वजह से जो भी फ्यूचर जनरेशन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या भी करना है, ये ग्रीनरी इम्प्रूव करने के लिए ट्री प्लांटेशन, मेगा ट्री प्लांटेशन गवर्नमेंट के हिसाब से लगाए। अभी तक अपना पूरा 3,18,000 का टारगेट में 2,75,000 का टारगेट आज तक हो जाता है, और एक 43,000 का जो भी है पूरे शहर में भी सब ट्री प्लांटेशन लगा के हम इसको ब्यूटिफिकेशन भी करेंगे, और बहुत से रोडा और बहुत से जंक्शना इम्प्रूव कर रहे हैं, वो हिसाब से जो भी है एक टाउन के फेसलिफ्ट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम और रोड्स का प्रॉब्लम, और जैसे बारिश आ रही बार बार, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे 39 डिवीज़न में, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? स्ट्रीट लाइट के लिए तो हर अब गवर्नमेंट से तो अभी पैसा सैंक्शन हुआ है, पैसे भी हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भर दिए हैं 2 करोड़ रुपया। वो हिसाब से हर एक वार्ड में भी जो भी स्ट्रीट लाइटों के कमी है वो पूरा वो लोग सर्वे करके स्ट्रीट लाइट भी डाल देते हैं, वो एक 3-4 महीने में वो काम हो जाता है। और अपने का पानी का सिलसिला जो भी है, पानी ऊपर से जो आ रहा है वो पानी के लिए 100% मेगावाटर का बताते जाइए वाले जो कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास, वो पानी आप जो पानी का पूछ रहे हैं बल्दिया का भी जो पानी आप लोग दे रहे हैं मांजीरा मेगा जो भी है आप लोग के, वो बताते चलिए कौन सा पानी देंगे यहाँ के? नहीं नहीं है, पीने के पानी के तरफ से बता रहा हूँ, पीने के तरफ अमृत, पीने के तारीफ से जो है वो अमृत के स्कीम में हम 98 करोड़ से अमृत के स्कीम में पानी का एक प्रोजेक्ट लगा है, और पूरा पाइपलाइन के हिसाब से अभी 70% काम हो गया है। 70% काम में अभी 30% काम बाकी है, वो पाइपलाइन वो लोग डाल रहे हैं। पाइपलाइन होने के बाद जो भी वाटर का सप्लाई है, और एक 12 ELSRs भी बन रहे हैं, वो लोग डू ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वर्स बन रहे हैं। ये पूरा होने के बाद अली सागर से जो भी हम पानी लेते हैं और मंचिपा से जो भी पानी लेते हैं उसके हिसाब से अभी ये हम लोग रिजर्वर्स का कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, और पाइपलाइन भी पूरे करके हर घर घर को हम टैप कनेक्शन दे के घर घर को पानी देने का ये अमृत स्कीम में बना रहे हैं।
बोलो गुज़िश्ता 3 साल से नकद अमल में आ रहा है, उसका हिस्सा आज निज़ामाबाद कॉरपोरेशन में डिवीज़न 39 में हरितहरम प्रोग्राम किया गया है। हरितहरम प्रोग्राम करने का मकसद शहरों को सरसब्ज़ और शादाब बनाना, अच्छी आबो हवा के लिए आने वाली नस्ल को कारामद होना और साथ ही साथ बारिश के आने की तो भी झाड़ा लगाने से होता है। बैरकअप हरितहरम प्रोग्राम के तहत जो झाड़ा लगाए जा रहे हैं उसकी देखभाल ज़रूरी है। देखभाल जो लोग महले में रहते हैं अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए हमारे महले साफ़ सुथरे रहेंगे, अच्छी आबोहवा हमको मैसर होगी। मैं आवाम से हुसैन ये महिला जो वादी है हुसैनी जो आज प्रोग्राम हुआ उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो इन झाड़ों की निगहदाश्त करें और उसको पानी वगैरह देते हुए उसकी परवरिश अच्छी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मेगा हरितहरम प्रोग्राम के तहत डिवीज़न 39 में महले वादी हुसैन में एक प्रोग्राम रखा गया ट्री प्लांटेशन का, जिसमें हमारे मेहमान हमारे साथ मेरे सदर साहब शकील साहब नसीर साहब और अहमद साहब के साथ हैं। मेरे महले के मेरे वार्ड के मेरे भाई बुज़ुर्ग हैं उनके साथ जो है ये आज ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ। इसमें सबसे अहम हुकूमत की तरफ से जो चीज़ मुहैया कराई गई उसके साथ साथ मेरे जो महल्ले के लोग हैं मेरे वार्ड के जो अराकीन हैं उनकी दिलचस्पी भी बहुत खूब है, जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और मैं सारे लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि आज ये प्रोग्राम करने से कुछ होने का नहीं है, इसको जो है सो निगरानी करना, इसको पालना है जैसा कि हम हमारे बच्चों को जो है सो निगरान करते हैं। यही झाड़ आगे चल के दरख्त होगा, इसकी वजह से हमारे को बारिश होगी और छाँव मिलेंगी, इसकी ताज़ी हवा मिलेंगी। झाड़ ना होने की वजह से पानी की किल्लत हो रही है, जगह जगह पानी की तकलीफ़ हो रही है। आज पानी भी अगर पड़ भी गया तो बह जा रहा है झाड़ों की वजह से, ज़मीन मजबूत होती है, पानी की रुकावट होती है, जिसमें ग्राउंड लेवल वाटर भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग ये झाड़ों की निगरानी भी करें। आज की तुम्हारे यहाँ ये प्लांटेशन का टारगेट क्या था? हमारे पास तकरीबन जो है सो 400 झाड़ लगाए गए हैं, जिसमें ये वादी हुसैन में जो है सो 100 झाड़ है, बाकी और मुख्तलिफ एरियों में भी कुछ झाड़ें लगाई गई है। ये हरितहरम प्रोग्राम के तहत निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के ज़ेर निगरानी में ये प्रोग्राम हो रहा है और म्यूनसिपल कमिश्नर खुद जो है सो पर्सनली हर वार्ड में फिर रहे हैं ये झाड़ों के प्लांटेशन के लिए। यहाँ पर भी जो है सो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को बुलाया गया था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट के तहत हमारे सदर मजलिस निज़ामाबाद अंबाड़ी के डिवीज़न 33 कारपोरेटर साहब, हमारे नसीर साहब, अहमद साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर रहमतुल्लाह वबरकातुहु। यहाँ नई आबादी वादी हुसैन में आज जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो शजरकारी की मुहिम थी गुज़िश्ता 3 सालों से चलाई जा रही है उसकी एक कड़ी के एतबार से यहाँ आज कमिश्नर बल्दिया साहब, कमिश्नर साहब बल्दिया की निगरानी में दीगर अमला और मुतालिका कौंसलर अजीम साहब और दीगर शकील साहब और रुकन बलदिया, अहमद साहब रुकन बलदिया व नज़ीर साहब और दीगर मुजीन के मौजूदगी में शजरकारी का यहाँ पे भी जो है ना अमल में आया। शजरकारी बहुत सारे जो शजर लगाए गए और भी बाकी हैं और मुतालिका रुकन बलदिया अजीम साहब की भी काफ़ी दिलचस्पियाँ इस नई आबादी के साथ हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो आइंदा भी इसी अंदाज से जो है यहाँ खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए
یہاں بلدی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہم کریں گے اور ہمارا وعدہ ہے مقیمین کالونی کی جانب سے میرا وعدہ ہے کہ ہم ان کے بھرپور جو ہے نا ساتھ ہیں, جو چاہے وہ ہمارے سے جو ہے نا اس کام میں اپنے مدد لے سکتے یا ان کے کاندھے کو کاندھا لگا کے ہم اسی ترقی کے لیے کام کریں گے. ہم میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے کونسلر صاحب عظیم صاحب کا اور ہم رکن بلدیہ شکیل صاحب, رکن بلدیہ نذیر صاحب, رکن بلدیہ احمد صاحب اور دیگر حاضرین اور آپ میڈیا صاحب کہ اپنا وقت یہ ہے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. آپ کیا واچ مین لگا ہے پروگرام جو ہوا ہے, بہت بڑا کامیابی سے کام کیے ہیں اپنے کمشنر صاحب کے اور ڈائریکٹر جتنے بھی ہیں ان سب کے, ان کے حساب میں جو بیٹھ کے کام کرائے ہیں. ایک امید رکھتے ہیں کہ روڈ کا, کھمبوں کا اور ایسے لائٹوں کا انتظام کرنے کے آپ سے ہماری کوشش جاری ہے. اگر آپ لوگوں کا تعاون ہوا سب کا, بڑے لوگوں کا, تو ان شاء اللہ پورا کام کرے رہے گا. یہاں مسرت صاحب اور امجد خان صاحب یہ لوگ بہت جد و جہد کر رہے ہیں کامیابی کے حساب سے, اور ان کارپیٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ہمارے لیے کام کرنے یہاں سے تیار ہیں. ہم کام لے رہے ہیں ان سے تو کام کریں گے کیسا, ان کو بلا کے ان کو بتا رہے ہیں. اور جو ہے یہ پروگرام جو بنائے مسیح الدین صاحب, خاص کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کام ہوا ہے کارپیٹر صاحب, یہاں کے کارپیٹر صاحب جو ہے ان کی کوشش سے یہ پروگرام بنائے اور ان کی کوشش سے یہ کام انجام دیے. بہت اچھے طریقے سے ہمارے واٹوں میں دیکھ رہے اور ان کو انشاءاللہ اور بھی کامیابی نصیب. آج جو پروگرام ہوا ہے وہ صدر کاری کا, بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں. ہمارے ایریے کے کونسلر صاحب کی کوشش ہے کہ اس ایریے کو وادی حسین جس کا نام ہے وادی کشمیر بنانے کی جد و جہد اور کوشش میں ہے. انشاءاللہ ہم سب محلے کے لوگ اگر اس کو تعاون کریں گے اور محنت کریں گے تو بہت ہی اچھا اور ہرا بھرا شاداب ہو جائے گا.